रामनगर श्रद्धा भाव रीति रिवाज से राम दरबारियों राधा कृष्ण की मूर्तियों की हुई स्थापना। जी हाँ, आपको बताते चले नौ गार्जिया मंदिरों संस्कृति समिति द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं भव्य कलश यात्रा श्री सिद्धपीठ बालाजी मंदिर कोसी घाट रामनगर से निकाली गई, जो पूरे शहर से होते हुए नौ गार्जिया मंदिर गुलरगट्टी में पहुंची, जहां पर श्रद्धा भाव रीति रिवाज से राम दरबार एवं राधा कृष्ण की मूर्तियों की स्थापना की गई। इस यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर विष्णु देवल के द्वारा रिबन काट कर और प्रबंधक सुरेश राजपूत द्वारा किया गया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा भगवान के भजनों का श्रद्धा भाव से गुणगान किया गया। इस कलश यात्रा में दर्जनों लोग शामिल हुए, जिसमें प्रबंधक सुरेश राजपूत, अध्यक्ष गौतम विष्ट, कोषाध्यक्ष लाल सिंह आदि दर्जनों भक्त शामिल रहे और पंडित भुवन चंद तिवारी पूजा अर्चना की गयी। राम गढ़िया मंदिर गुलरगट्टी में स्थित है। इसकी चौथी स्थापना दिवस है। इस चौथे स्थापना दिवस पर आज मंदिर में जो है कुछ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस राम दरबार की और इससे ज़्यादा जनता की इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आज एक कलश यात्रा निकाली गई है। तत्पश्चात तीन दिन का प्रोग्राम होगा यहाँ पर और उसके पश्चात यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक रात्रि को माता की चौकी, हवन, भंडारा इत्यादि सारे कार्यक्रम होंगे। हमारे मंदिर के प्रबंधक श्री सुरेश राजपूत जी और श्री विसंदा अन्य कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, इन सभी लोगों के अथक प्रयास के द्वारा आज विशेष प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर और समय समय पर यहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं और जन्माष्टमी पर अन्य प्रोग्रामों पर यहाँ पर प्रोग्राम किए जाते हैं। ये स्वर्गीय देवेंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ये मंदिर निर्मित किया हुआ है और इसके द्वारा इसके लिए धन्यवाद। आपने जो यात्रा निकाली, प्रशासन का क्या सहयोग रहा आपके साथ? प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। प्रशासन शुरू से लेकर अभी तक पूरे तरीके में लास्ट तक अंतिम तक मंदिर तक सब लोग छोड़ने आए हैं हमें और बहुत अच्छा प्रशासन की तरफ से सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रामनगर के सीओ को और रामनगर के कोतवाल साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग हमें दिया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और कमेटी में उनकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। जय माता दी, जय बाबा।